अश्नीर ग्रोवर जेल जा सकते हैं। अश्नीर ग्रोवर जो कि भाई देश के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर्स में शुमार हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर फाइल कर दी। एफआईआर में ना सिर्फ उनका नाम है बल्कि उनकी वाइफ माधुरी जैन और उनके कुछ रिलेटिव्स का नाम भी शामिल है। क्यों एफआईआर की गई? क्योंकि भारत पे ने जहां पर वो पहले काम करते थे उसने उनके खिलाफ फंड्स की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। कितने? 81 करोड़ से भी ज्यादा के फंड्स की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ के ऊपर। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अश्नीर ग्रोवर को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लोग खुसफुसा के कह रहे हैं अश्नीर ग्रोवर तो जेल भी जा सकते हैं। क्या है ये पूरा मैटर? क्यों हुई है ये एफआईआर और क्या लेना देना है इनका? बाकी भारत पे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे जानेंगे आज इस वीडियो में। आपने भारत पे का नाम सुना होगा। ये एक फिनटेक कंपनी है जिसके एडवर्टीजमेंट ने आपने कई बार सलमान खान को देखा होगा नाचते गाते। वो बताते हैं कि किस तरीके से भारत पे दुकानदारों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये वही भारत पे है जिसमें अश्नीर ग्रोवर कभी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे और उनकी वाइफ हेड ऑफ कंट्रोल्स हुआ करती थी। मामला तब बिगड़ा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी वाइफ माधुरी जैन को टर्मिनेट कर दिया, ये बोलते हुए कि उन्होंने इररेगुलरिटीज करी हैं कंपनी फंड्स में। ये सब देखते हुए अश्नीर ग्रोवर ने भी खुद रिजाइन कर दिया मार्च 2022 में। इसके बाद भारत पे ने इन दोनों के खिलाफ दिल्ली के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेन फाइल करवाई और कहा कि 81 करोड़ से भी ज्यादा के इन दोनों ने घपला किया है, कंपनी फंड्स को यूज किया है अपनी फैमिली पर्पस के लिए। साथ में भारत पे दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा, वहां पर सिविल सूट फाइल किया इन दोनों के खिलाफ और कहा कि हमें फंड्स का रिटर्न चाहिए, हमें अपने डैमेज का रिटर्न चाहिए। उसके बाद से भारत पे और अश्नीर ग्रोवर के बीच में विवाद बढ़ता ही गया। दोनों में इतनी बहस बढ़ गई कि मीडिया में उनकी कॉन्ट्रोवर्सी की खबरें आम होने लग गई। साथ ही अश्नीर ग्रोवर की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉई को गालियां दे रहे थे, उसे कह रहे थे कि तुमने नायका का आईपीओ कैसे मिस कर दिया। बाद में अश्नीर ग्रोवर ने हालांकि कहा कि ये सारी चीजें फर्जी है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। और अब देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर फाइल कर दी है भारत पे के कंप्लेन को लेकर। 81 करोड़ से भी ज्यादा फंड्स के घपले की बात करी गई है। अब इसके आगे क्या हो सकता है भाई? इन्वेस्टिगेशन तेज हो सकती है, अश्नीर ग्रोवर उनकी वाइफ और उनके से पूछताछ हो सकती है, कुछ गड़बड़ निकलती है तो अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये मैटर बहुत बढ़ गया है। वैसे फिलहाल इस पर अश्नीर ग्रोवर काफी कूल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है मैं खुश हूं कि इस तरीके की चीजें हुई ताकि कोर्ट में सारी चीजें जाएं और सच की जीत हो, यानी कि वो कंफर्टेबल हैं कि भाई हम कोर्ट में केस लड़ लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला है भारत पे के डायरेक्टर रजनीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने कहा है रजनीश कुमार SBI में चेयरमैन रह चुके हैं, वहां पे उन्होंने पैसा डुबाया और अब भारत पे को बर्बाद कर रहे हैं। $3 बिलियन की ये कंपनी है जो कि एकदम बर्बाद की कगार में है। अब इस पर मेरा ये कहना है कि भैया इन सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन की तरह देखिए, इसको समझिए, इसको एनालाइज करिए, इसको सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सेंटिमेंट से जुड़ जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग अश्नीर ग्रोवर के फैन भी हैं तो वो गालियां दे सकते हैं भारत पे को। देखिए इन सब चक्करों में क्या ही रखा है, अपनी लाइफ देखिए, अपना काम देखिए, बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इनको देखिए, समझिए, सुनिए और एनालाइज करिए। अपने फ्यूचर में आप जो भी प्लान्स बनाते हैं उसमें सक्सेसफुल होइए। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।